yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं. अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं. एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे. पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं. वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स. मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने, एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद. केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है. स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग. हमें मालूम है कि एक कौरवो ने जब. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24.